कैसे हो बच्चों? आप लोग बहुत दिनों से हिंदी लैंग्वेज की बुक पढ़ रहे हो ना। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर की बुक पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप लोग हिंदी लिटरेचर की बुक ओपन कर लीजिए। आप लोग बुक में पेज नंबर 18 को ओपन करेंगे, ठीक है? आप लोग पार्ट 3 को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 आपका है राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक है? तो आज हम लोग मोर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने ब्लैकबोर्ड पर मोर का चित्र भी बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो आइए मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करती हूँ। मोर पक्षियों में सबसे सुंदर होता है। मोर का सारा शरीर चमकदार नीले रंग का होता है। मोर की पूंछ लंबी, भारी और मोटी होती है। इस पर रंग बिरंगे लंबे पंख होते हैं। इसकी गर्दन नीची और लंबी होती है। इसके सिर पर कलगी बहुत अच्छी लगती है। कलगी का मतलब होता है बच्चों मोर के सिर की छोटी, ये जो है ना ये कलगी है, ठीक है? सियालू मोर के सिर के ऊपर क्या है, ये छोटी है, ठीक है? मोर की आवाज मधुर होती है। मधुर का मतलब होता है बच्चों मीठी। वर्षा ऋतु में मोर ट्यों ट्यों करके वर्षा को बुलाता है। जब आकाश में बादल घिर आते हैं तो मोर बहुत प्रसन्न होता है, यानी कि खुश हो जाता है और खुशी के मारे अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। उसका यह नृत्य बड़ा मनमोहक होता है। मनमोहक का मतलब होता है जो मन को अच्छा लगे, ठीक है? बच्चे ही नहीं बड़े भी पूरे पंख फैलाए मोर को नाचते देखकर प्रसन्न होते हैं। मोर की चाल बहुत अच्छी लगती है। वह अपने पंजों के बल बहुत दूर और तेजी से भाग सकता है। पंखों के कारण उसका शरीर बहुत भारी होता है। जो उसके पंख होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं, ठीक है? इसीलिए वह एक साथ बहुत दूर तक नहीं उड़ पाता। मोर थोड़ी थोड़ी देर उड़कर जमीन पर उतरता रहता है और चुभता है, फिर उड़ता है और नीचे उतरता है। इसी तरह मोर चारा चुगते चुगते काफी दूर तक चला जाता है। मोर पेड़ों पर रहता है, इसे हरियाली बहुत पसंद है, यानी कि हरा भरा इसको बहुत ज्यादा ही पसंद है। जिस स्थानों पर हरा भरा रहेगा, हरियाली रहेगी, तो मोर को बहुत ही सुंदर लगता है। मोर को नदी के किनारे झुटपुट में रहना बहुत पसंद लगता है। वह बाग बगीचों और खेतों में भी घूमता है। मोर अनाज और कीड़े मकौड़े खाता है। मोर का भोजन क्या है, कीड़े मकौड़े, ठीक है? मोर क्या खाता है, कीड़े मकौड़े खाता है। यह एक हिम्मती पक्षी है। मोर सांप से भी नहीं डरता, बल्कि वह सांप का दुश्मन है। वह अपने चंगुल से सांप को पकड़ लेता है और उसे अपनी चोंच से पटक पटक कर मार डालता है। आप देखिएगा, मोर को यदि कहीं पर भी सांप यदि नजर आ जाएगा तो मोर क्या करेगा, उसे मार डालेगा। जो ये उसकी चोंच है, उसकी चोंच से क्या करता है, सांप को मार डालता है। फिर वह उसे निगल जाता है। कहा जाता है कि जितनी दूर तक मोर की आवाज जाती है उतनी दूर तक सांप नहीं दिखाई देते हैं। मोर की आवाज जो होती है बच्चों बहुत ही सुरीली होती है, इसलिए मोर की आवाज जहां तक जितनी दूर तक जाती है वहां तक सांप नजर नहीं आते। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। इनसे रंग बिरंगे पंखे, मुकुट और सजावट की अनेक चीजें बनाई जाती हैं। ये जो मोर के पंख हैं ये बच्चों बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है? और इनसे बहुत तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना मुकुट पहनते थे। भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो मोर के पंखों का बना ही मुकुट पहनते हैं, ठीक है? बच्चों को मोर पंख बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को मोर के पंख बहुत अच्छे लगते हैं, लगते हैं ना? आप लोग मोर के पंखों को बुक वगैरह में भी रखते हो। वे इन्हें अपनी किताबों में संभाल कर रखते हैं। देश विदेश के सभी चिड़ियाघरों में मोर देखने को मिलते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जो है हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है ना? आप सभी जानते हो बच्चों, आप लोग चिड़ियाघर गए हो वहां पर आप लोगों ने बहुत सारे मोर को देखा होगा, देखा है ना? आप लोगों को मोर बहुत ही पसंद है और आप लोग मोर के पंखों को बुक्स में भी रखते हो ना? तो अभी मैंने आपको मोर के बारे में बताया। चैप्टर 4 आपका मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोगों को मोर के बारे में पढ़ करके और आपको बुक में ओनली 3 लाइंस मोर के बारे में, ओनली 3 लाइंस आपको एक वॉइस नोट के माध्यम से मुझे